सबसे पहला तो आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, प्रणाम जोहार, और आप सभी को रामलला जो आ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जय श्री राम। रामलला आ रहे हैं इसके लिए तो पूरे देश में खुशी का माहौल है और हलचल है, क्योंकि आज ये 500 साल के बाद वो आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है और इस राम महोत्सव देखने को मिल रहा है, हमारा मन प्रसन्न है। लेकिन अफसोस हमें एक इसी बात का है कि रामलला आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एम्स और जो सरकारी अस्पताल 2:30 बजे तक बंद किया गया है, यदि उस आवश्यकता में इमरजेंसी पेशेंट को देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं रहेगा तो वह पेशेंट यदि मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा, उसके जिम्मेदारी कौन लेगा? यही सवाल से हम सभी जनता आज परेशान है और डर्म से है कि एम्स को बंद नहीं करना था, अस्पताल को बंद नहीं करना था, स्कूल बंद है, बैंक बंद है, सही चीज़ है, लेकिन अस्पताल तो बहुत इमरजेंसी चीज़ है, जो तो बंद नहीं। अच्छी बात है कि राष्ट्रीय छुट्टी है, ऐसा माहौल है, घोषित करना अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय छुट्टी में तो हमारा हॉस्पिटल एम्स को नहीं आना चाहिए हमारे अनुसार, जितना तक मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि मोदी जी जो कर रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन गरीब गुरबा को इस तरह मारने का काम मत कीजिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।